रेस्टोरेंट और ढाबे की सबसे फेमस सब्जी है जो मेथी मटर मलाई। मैं आज आपके सामने उसके सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स को शेयर कर रही हूँ। आप जब भी रेस्टोरेंट में इसे ऑर्डर करते होंगे तो आप सोचते होंगे कि इसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जो इतना ये टेस्टी सब्जी बनाते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल विद अनुलेखा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन, इसमें मैंने डाल दिया 2 बड़े चम्मच ऑयल और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1/2 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच शाही जीरा। जो ये हमारे शाही जीरा है, ये जीरा जैसा ही होता है और हम अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अब अच्छे से आप इसे मिक्स कर लीजिएगा और मैं इसमें लूँगी अब 4 से 5 काजू के टुकड़े। तो यहाँ पर मैंने काजू के टुकड़े डाल दिए हैं, इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये हो गए अच्छे से फ्राई। ये देखिए, हल्के से हमें इसे ब्राउनिश में करने हैं। अब मैं इसमें डालूँगी चॉप्ड किए हुए 1 बड़ा प्याज जो मैंने छोटे टुकड़ों में इसे काट लिया था, और लहसुन अदरक की यहाँ पर मैं पेस्ट ऐड कर दूँगी और अच्छे से हम इसे कर लेंगे मिक्स। तो ये हो गया अच्छे से मिक्स। इसे हमें हल्का सा ब्राउनिश करना है, अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है और इसे हम चलाते रहेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 बड़ी कटी हुई हरी मिर्च और ये भी हम अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। और इसमें मैंने 1/2 चम्मच हींग ऐड कर दिया है। हींग से दोस्तों इसमें हमें डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है हींग, जैसा कि आपको पता है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और हम हरी मिर्च और इन सभी चीज़ों को अच्छे से भूंज लेंगे। तो ये हो चुका है हमारा, लगभग ये अब रेडी है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी हमारे, पहले हम इसे थोड़े और अच्छे से भूंज लेंगे। तो ये देखिए, अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी हमारे रेडी किए हुए टमेटो पेस्ट जो मैंने रेडी करके ऑलरेडी फ्रिज में रखा हुआ है। और इसकी जो मैंने रेसिपी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है दोस्तों, आप इसे ज़रूर देखिएगा और इसे आप बना के ज़रूर फ्रिज में रखिएगा। क्यों, हम ये किसी भी सब्ज़ी में डालते हैं ना, तो वो रेस्टोरेंट जैसी जो लुक और जो टेस्ट आता है ना, वो इसी से आता है। तो ये बहुत मेन इंग्रेडिएंट्स है, बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट्स है, से बना हुआ है और ये 5-10 से 15 दिन आराम से आप इसे स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। और जब भी आपें रेस्टोरेंट जैसी सब्ज़ी खाने की इच्छा हुई तो आप इसे डाल के बना लीजिएगा। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी चॉप्ड की हुई मेथी। ये ताज़ा मेथी है जिसे मैंने धो के काट लिया था और अब मैं इसे इसमें ऐड कर दूँगी। और इसमें ऐड कर दूँगी मैं बॉईल किए हुए मटर के दाने। मैंने हल्का सा इसे बॉईल कर लिया है नमक डाल के और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी आपको इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करना है। ये जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ, गैस की फ्लेम को लो में रखिएगा। ये आप अच्छे से इसे मिक्स करिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिसे मैं इसमें डालूँगी और जिससे हमारा जो मेथी मटर मलाई का जो स्वाद है ना, बहुत ही अच्छा आने वाला है। अब इसमें कस्तूरी मेथी ऐड कर दूँगी। कस्तूरी मेथी के बाद इसमें मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया है। अब इसे हम अच्छे से चला लेंगे। ये देखिए, अब अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे। मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच मावा लिया है जिसे क्रश करके रखा था, ये मावा लिया मैंने। अब इस मावे को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। ये देखिए, ऐसे आपको पूरे अच्छे से मिक्स करना है। अब धीरे धीरे ये मावा भी मेल्ट हो जाएगा। ये देखिए, अब हम इसमें ऐड कर देंगे दोस्तों। इससे पहले हम अच्छे से पकाएंगे, मावे को पूरे अच्छे से मेल्ट कर लेना। अब मैं इसमें काजू के जो काजू पाउडर है उसे ऐड कर दूंगी। 2 चम्मच मैंने काजू पाउडर लिया है, उसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आपको लगातार चलाते रहना है। अब इस स्टेज में आप इसे छोड़िएगा मत, क्योंकि हमारे जो काजू और मावा है वो जल सकते हैं। तो अब अच्छे से हम इसे
चलाते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे। गैस की फ्लेम को लो रखिएगा। अब मैं इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर लूँगी और 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी हमारी कश्मीरी लाल मिर्च। यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड किया है और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। ये देखिए, अब इसमें हल्का सा आप गर्म पानी लीजिएगा। मैं हमेशा गर्म पानी ही लेती हूँ क्योंकि गर्म पानी से क्या मसाले जल्दी पक जाते हैं। और ये देखिए, अब मैं अच्छे से इन मसालों को पका लूँगी। ये देखिए आप, कितने जल्दी मसालों ने तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि यहाँ पर मैंने गर्म पानी यूज़ किया है। ये देखिए, तो गर्म पानी यूज़ करने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि इसमें हमें कच्चापन नहीं लगता है। तो अब मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है पनीर। पनीर को मैंने छोटा सा टुकड़ा लिया है पनीर का और इसे मैंने क्रश करके डाल लिया है। ये देखिए, अब अच्छे से मैं इसे मिक्स कर लूँगी। अब हमारा पनीर मिक्स हो गया है तो और भी बढ़िया सा स्वाद आता है इसमें। ये देखिए, आप इस मटर मलाई को जब आप खाएंगे ना, तो आप पनीर की जो शाही पनीर वो भूल जाएंगे, इतना टेस्टी बनता है ये। अब इसमें हल्का हल्का पानी डाल के आप इसे चलाते रहिएगा। पानी आप गर्म पानी ही लीजिएगा, गर्म मीन्स बहुत ज़्यादा गर्म नहीं। अब मैं इसमें गर्म मसाला ऐड कर दूँगी। ये देखिए, आप चाहे तो गर्म पनीर मसाला भी ले सकते हैं। और इसमें मैं कर दूँगी पाव भाजी मसाला, मैंने ऐड कर दिया है 1 चम्मच और अच्छे से मैं इसे मिक्स कर दूँगी। मसाले की क्वांटिटी आप कम भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, माने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसे हल्का हल्का पानी डाल के मैं इसे चलाते रहूँगी। तो ये देखिए कितना सुंदर कलर आ गया है। और इसमें मैं अब हल्का सा ये जो हमारे ब्लैक पेपर है मीन्स काली मिर्च का पाउडर डाल दूँगी। और अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें अब मैं डाल दूँगी मलाई, 2 चम्मच मैंने मलाई डाली है। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितना सुंदर सा कलर आ गया इसमें और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, वाह। अब हम इसे अच्छे से थोड़ा सा पकने देंगे। गैस की फ्लेम को बहुत लो रखिएगा ताकि ये सब मसाले जले ना। अब हम इसमें लास्ट में ऐड करेंगे नमक। दोस्तों, कभी भी आप जब मलाई या दूध वाला रेसिपी बनाते हो तो नमक को सबसे लास्ट में ऐड करिएगा, ताकि हमारे जो स्वाद है ना और ज़्यादा बढ़ जाता है और ये मलाई दूध फटते नहीं हैं। तो ये अच्छे से अब हम इसमें हल्का हल्का पानी डाल के इसे पका लेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया। अब मैं इसमें कटी हुई धनिया जो बच गई थी अब वो डाल दूँगी और अच्छे से हम इसे कर लेंगे मिक्स। तो लगभग आपको और थोड़ा सा, अगर जितना आपको ग्रेवी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप डालिएगा। अब मैं इसमें बचे हुए काजू, 4-5 काजू मैंने ऐड कर दिया है। आप किशमिश भी ले सकते हैं इसमें। और अब ये देखिए, लगभग ये मेरा पूरा का पूरा पक चुका है। अब मैं इसे एक बर्तन पर निकाल लूँगी। आप इसे नान के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ, आप जैसे भी इसे अपने हिसाब से खा सकते हैं। ये इतना टेस्टी बनता है ना कि इसके सामने पनीर की सब्ज़ी भी फेल हो जाती है, शाही पनीर फेल हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर कमेंट्स करके।